मुफ्ती अबरार साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती अबरार साहब फलाही ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا صدق الله العظيم. अगर तुम कोई अच्छा काम करो तो ये अच्छा काम करना तुम्हारा अपनी जात के लिए है, और अगर तुम कोई बुरा काम करो तो उसका वबाल और उसकी सजा भी तुम्हारे ही जिम्मे है। बस जब दूसरा वादा हमारा आया तो हमने ऐसे जालिम बादशाह को उन पर मुसल्लत कर दिया ताकि वो उनके चेहरों को बिगाड़ दे ले और वो इसी तरह मस्जिद में दाखिल होए जिस तरह पहला लश्कर पहली मर्तबा दाखिल हुआ था, और वो जितनी सरकशी हो सके और जितनी उनकी हालत को ख़राब कर सके इतना करे। उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम पर रहम करे, और अगर तुम वापस लौट आओ तो ये तुम्हारा बेहतरीन लौटना है, और हमने जहन्नम काफिरों के लिए ठहरने की जगह बनाई है। ये सूरह बनी इसराइल की 7वीं और 8वीं आयत करीमा है। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने उसी वाकये को ज़िक्र किया है जो बैतुल मुकद्दस और उसके अतराफ के अंदर वजूद में आया था, जिसको हमने गुज़श्ता कल तफसील से सुना कि अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत ईसा अलैहि सलातु व सलाम के आसमान पर उठा लेने के बाद, हज़रत ईसा अलैहि सलाम के रफ़े समा के बाद बनी इसराइल को दोबारा हालात में डाला, दोबारा आजमाइश और इम्तिहान में लिया, और उनके ऊपर अल्लाह तबारक व ताला ने दोबारा रूम के बादशाह को मुसल्लत कर दिया, कैतूस जिसका नाम जिक्र किया गया है। और उस रूम के बादशाह ने बनी इसराइल के साथ मुसलमानों के साथ, जिसमें यहूद भी थे और नसारा भी थे, इसलिए कि इस वक्त बनी इसराइल के अंदर बैतुल मुकद्दस और उसके अतराफ के इलाके के अंदर यहूद भी आबाद थे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने का दावा करते थे, और नसारा भी आबाद थे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने का दावा करते थे। लिहाजा ये दोनों ने अपने अपने वक्त के नबी की बात को नहीं माना, शरीयत को ठुकराया, और उससे भारी काम बैतुल मुकद्दस की हिफाजत, उसकी आबादी जो अल्लाह तबारक व ताला ने इनके जिम्मे रखी थी वो इनसे अदा न हो सकी, और बैतुल मुकद्दस को इन्होंने वैरान कर दिया, तो अल्लाह तबारक व ताला को ये बात पसंद नहीं आई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोबारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आसमान पर उठा लेने के बाद ये उन पर जो है वो दोबारा मुसल्लत किए गए, या तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लेने के 70 साल के बाद या 100 साल के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने कैतूस या कैतस रूमी बादशाह को इन पर मुसल्लत कर दिया, और इसने फिर दोबारा बनी इसराइल को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश की, बिल्कुल मिटाना चाहा, और जिस तरह पहली मर्तबा खून की नदियां बहाई गई थी इसी तरह दूसरी मर्तबा भी इसी तरह खून की नदियां बहाई गई। वैसे ये वाकयात मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ एतबार से वजूद में आए हैं। सिर्फ ये दो बादशाह नहीं हैं,
कि जिसने बैतुल मुकद्दस पर हमला किया हो और बैतुल मुकद्दस को वैरान कर दिया हो। कहा कि ऐसे वाकयात तो कई हुए हैं। जालूत ने, जिसका कुरान में जिक्र है, उसने भी बैतुल मुकद्दस पर हमला किया और बैतुल मुकद्दस को मुनहदिम करने की कोशिश की। बल्कि यूं कहिए कि जितने भी जालिम और जाबिर बादशाह आए हैं उसमें से बहुत सारों ने इसको जो है वो ख़त्म करना चाहा, इस पर अपना कब्जा जमाना चाहा, इसके अतराफ के मुसलमानों को बिल्कुल तहे तेक कर देना चाहा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत उसके मुताबिक रही। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको आजमाया, फिर दोबारा अल्लाह तबारक व तआला ने इनको चमकाया। लेकिन इस मौके पर हजरत मूसा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लेने के 100 साल के बाद जो तैतूस रूमी नामी बादशाह इन पर मुसल्लत किया गया और उसने बनी इसराइल को, यहूद और नसारा दोनों उस वक्त मौजूद थे, कहा कि उनको बहुत जो है वो कत्ल किया, उनके घरों को लूट लिया, उनके सामानों को उजाड़ दिया और बैतुल मुकद्दस का जो सामान ईरानी बादशाह, रूम के बादशाह बुख्त नसर के, मिस्र के बादशाह बुख्त नसर के पास से लेकर आया था, दोबारा ये वापस लेकर चला गया। ये रूम का बादशाह तैतूस, जिसको इसी तरह रिवायतों में नकल किया है कि बड़ा कीमती सामान, सोना चांदी जवाहरात और बड़ा कीमती सामान ये लेकर चला गया, जो आज तक इन्हीं के कब्जे में है। और हजरत इमाम मेहदी जब आवेंगे तो इनके कब्जे से छोड़ा कर फिर दोबारा बैतुल मुकद्दस में ला कर रखेंगे। लेकिन यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी हालत को इतना जो है वो खस्ता कर दिया, इतनी शिकस्त हुई कि फिर वो कई बरसों तक नहीं उठे। और जैसा बैतुल मुकद्दस दोबारा तामीर होना चाहिए उसकी आबादकारी नहीं हुई। कहा कि थोड़े हालात उनके अच्छे होते फिर कोई मुसल्लत हो जाता, जैसा कि यहाँ पर जिक्र किया है मुफस्सिरीन किराम ने, कहा कि ये बनी इसराइल जिसमें यहूद और नसारा दोनों थे, कहा कि उनके साथ ऐसा सुलूक हुआ, फिर वो थोड़े खुशहाल हुए, फिर नसारा यानी ईसाइयत का एक बादशाह तुर्की से चलकर, कुस्तुनतुनिया से चलकर दोबारा इनके ऊपर हमला कर बैठा और इनकी जो है वो इसी तरह हालत को बिगाड़ दिया। फिर उसके बाद से लेकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत तक बैतुल मुकद्दस वैरान रहा। कहा कि कोई आबादी नहीं, वहाँ कोई नमाज नहीं, वहाँ कोई इबादत नहीं। कहा कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत तक कहा कि बैतुल मुकद्दस वैरान रहा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दोबारा बैतुल मुकद्दस को जो है वो आबाद किया। इसी वजह से फातह मिस्र और फातह बैतुल मुकद्दस हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा जाता है कि उनके दौरे खिलाफत के अंदर उन्होंने बैतुल मुकद्दस को आबाद किया और खुद बैतुल मुकद्दस तशरीफ ले गए और वहाँ जाकर एक जगह पर उन्होंने जो है वो नमाज पढ़ी जिसको कुब्बतुस्सखरा कहा जाता है। वो पहाड़ी के बाब में रिवायतों में जिक्र किया गया है कि जिस तरह मक्का मुकर्रमा के अंदर हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम, ये दोनों पत्थरों के बाब में यूँ कहा जाता है कि याकूत अतानी मिन याकूत जन्ना, के जन्नत के पत्थरों में से दो पत्थर है, इसी तरह कुब्बतुस्सखरा जो बड़ी चट्टान है। कहा कि हजरे अस्वद तो छोटा सा पत्थर है, मकाम इब्राहिम छोटा सा पत्थर है, ये कुब्बतुस्सखरा बहुत बड़ी चट्टान है। इस चट्टान के बाब में भी रिवायतों में जिक्र किया जाता है कि इस जन्नत से उतारी गई है, लिहाजा ये जगह बाबरकत है, इसके अतराफ का इलाका बाबरकत है। इसी वजह से बैतुल मुकद्दस जहाँ पर आबाद है, मस्जिद अक्सा वो अलग है, कुब्बतुस्सखरा अलग है। बैतुल मुकद्दस के अतराफ में कुल 4 मस्जिद है उसी इलाके के अंदर, उसी इहाते के अंदर, बहुत बड़ा इहाता है, उस इहाते के अंदर 4 मस्जिदें हैं, उसमें से एक कुब्बतुस्सखरा है जहाँ हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज पढ़ाई और इमामत कराई और आपने वहाँ जो है वो नमाज पढ़ाई, उसकी जगह वहाँ पर जो है वो अव्वल लकड़ी की जो है मस्जिद बनाई गई थी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हुक्म से या उनके बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि वहाँ लकड़ी की एक मस्जिद बनवाई और वो लकड़ी की मस्जिद आबाद रही। फिर वो यहाँ के जो है वो आबाद रही 80 साल तक, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के बाद 80 साल तक बैतुल मुकद्दस आबाद रहा, वहाँ की मस्जिदों के अंदर इबादत होती रही। फिर उसके बाद ये दोबारा जो है वो जालिमों के हाथ में चला गया। कहा कि आज तक उसकी मुकम्मल आबादी नहीं हुई, कि अभी भी जो है वो पूरी तौर पर बैतुल मुकद्दस आबाद नहीं है, कि जो मुसलमानों को
पूरा पूरा कब्जा होना चाहिए, वो कब्जा नहीं है। असल में यहूद का यही मकसद है कि बैतुल मुकद्दस को मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में लिया जावे और हैकल सुलेमानी जो हजरत सुलेमान अलैहि सलातो व सलाम ने तामीर किया था उसको पुरानी हैयत पर दोबारा तामीर किया जाए। और ये इनकी पूरी साजिश और पूरी कोशिश है कि हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर किया जावे। और उनका ऐसा अकीदा है कि ताबूत सकीना और दूसरी कीमती कीमती चीजें जो हमारी खिलाफत को दोबारा कायम कर सकती है, हमारी हुकूमत को दोबारा कायम कर सकती है, वो सारी की सारी चीजें बैतुल मुकद्दस के नीचे मदफून है। लिहाजा उसको निकालना और उसको निकाल कर दोबारा अपनी हुकूमत को कायम करना ये सब इनके इरादे और अजाइम में से है। लिहाजा उस जगह को और उसके अतराफ को बड़ी जो है वो मुकद्दसियत हासिल है और उसको बड़ा मकाम हासिल है। और कयामत से करीब जो बड़े बड़े वाकयात रोनुमा होंगे वो भी वहीं पर वाक़ होंगे, जैसे कि मुल्क शाम के अंदर जामे दिमश्क के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उतरना, इमाम महदी का वहाँ इमामत के लिए मुकर्रर होना और दज्जाल को कत्ल करना, बाब लुद्द जो दिमश्क के अंदर वाक़ है, मुल्क शाम के अंदर वाक़ है, वहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे, ये सारे के सारे वाकयात वहाँ पर वजूद में आवेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने पेशिन गोई के तौर पर चंद बातों को यहाँ पर जिक्र किया और फरमाया कि फ़ैदा जा अवादुल आखिरा, फिर जब हमारा दूसरा वादा आया, लियसू वुजूहकुम, तो फिर हमने जालिम बादशाह को मुसल्लत कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला इन वाकयात के जरिए से यही बतलाना चाहते हैं कि जब कौमें अपने मिशन को छोड़ देती है, अपने नबी की बातों से रूगरदानी करने लगती है, अपने नबी की किताब को छोड़कर अपनी ख्वाहिशात वाली जिंदगी गुजारने लगती है, तो हम उन पर इसी तरह जालिम बादशाहों को मुसल्लत कर देते हैं। लिहाजा फरमाया लियसू वुजूहकुम, ताकि वो जालिम बादशाह इनके चेहरों को बिगाड़ दे, वलियदखुलुल मस्जिद कमा दखलूहु अव्वल मर्रा, और वो मस्जिद के अंदर यानी मस्जिद बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल होए जैसा कि पहली मर्तबा जालिम बादशाह दाखिल हुआ था, वलियतबिरु मा अलौ तकदीरा, और जो कुछ सरकशी उनसे हो सके वो करके रहे। लिहाजा उन्होंने करके कर दिखलाया और मुसलमान उस वक्त बैतुल मुकद्दस की हिफाजत न कर सके, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जलील और खार कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाते हैं असा रब्बुकुम अन यरहमकुम, उम्मीद है कि इन सब के बाद भी तुम्हारा परवरदिगार तुम पर रहम करे, कि तुमने अपने नबी की बात को नहीं माना, तुमने अपनी किताब के साथ जैसा सुलूक करना चाहिए वैसा ना किया, लिहाजा इसके बाद भी अल्लाह तबारक व तआला तुम पर जो है वो उम्मीद रखता है कि रहम करे। वो इन तुम मौदना कब, जबकि तुम अपनी दोबारा रविश पर आओ, कि जिस रविश पर तुमको नबी छोड़ कर गए थे, जिन हालात पर तुमको नबी छोड़ कर गए थे कि उनकी किताब को मजबूती से पकड़ना, उनकी बताई हुई हिदायत पर अपने आप को चलाना, उनकी सुन्नतों को अपनी जिंदगियों के अंदर उतारना, कहा कि ये करके दिखाओ तो हम तुमको दोबारा ठीक ठाक कर देंगे, यानी तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेंगे। लिहाजा जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने यहूद को जिल्लत अता फरमाई, नसारा को जिल्लत अता फरमाई और उनकी जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने पसपाई करते रहे, फिर ये लोग उस इलाके को छोड़कर जो है मक्का मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा के अतराफ में आकर आबाद हुए। यहूद मदीना मुनव्वरा में इस वजह से आए थे कि उनको ये गुमान था कि जो आखिरी नबी आने वाले हैं वो हमारे खानदान में से हैं, इसलिए कि हमारा खानदान नबियों का खानदान, लिहाजा कहा कि 40,000 अंबिया जब हमारे खानदान से ताल्लुक रखते हैं तो आखिरी पैगंबर भी हमारे खानदान से, यानी हजरत इब्राहिम, हजरत इसहाक, हजरत याकूब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खानदान से आखिरी पैगंबर भी आवेंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का मंशा और उसका इरादा कुछ और था, आखिरी पैगंबर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के खानदान में अल्लाह तबारक व तआला ने मबरूस फरमाए। लिहाजा मदीना मुनव्वरा की आबादी से 100 साल पहले, कि जब कोई जानता भी नहीं था, यहूद लोग मुल्क शाम छोड़कर यहाँ आ गए थे और 100 साल तक इन्होंने यहाँ पर इस वजह से कायम किया कि जो आखिरी नबी आएगा हम उनका साथ देंगे, हम उनके हाथ पर ईमान लावेंगे और वो हमें दोबारा हुकूमत और सल्तनत अता फरमावेगा। लेकिन उनका मंशा पूरा नहीं हुआ, आखिरी नबी बनू इस्माइल के अंदर पैदा हुए और अल्लाह तबारक व तआला ने पैदाइश के वक्त ही यहूद और नसारा को बतला दिया था कि अब तुम्हारा मामला खत्म हो चुका है, अब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी नबी को भेज दिया है। लिहाजा आखिरी नबी की बहसत के बाद आप 10 साल तक मक्का मुकर्रमा में रहे, फिर मदीना मुनव्वरा गए तो यहूद को वहां से भी खदेड़ दिया।
سن 2 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ جانے کے بعد 2 سال کے بعد ایک مرتبہ ان کو جو ہے وہ مدینہ سے کھدیڑا، پھر سن 4 ہجری میں دوبارہ کھدیڑا، پھر 7 ہجری کے اندر کہاں کہ خیبر جب فتح ہوا تو یہ یہود جو ہے وہ بالکل سارے کے سارے جو ہے مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے گئے اور یہ اسرائیل کے قریب اور وہاں کے اطراف میں ملک شام میں دوبارہ آباد ہوئے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خلافت کا دور آیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہا کہ جتنے بھی غیر تھے ان سب کو جزیرۃ العرب چھوڑنے کا حکم نافذ کر دیا کہ اب کوئی مشرک، کوئی نجیس، کوئی ناپاک جزیرۃ العرب میں نہیں رہے گا. کہا کہ وہاں صرف مسلمان ہی رہیں گے، لہذا یہ حکم آیا اور یہ سارے کے سارے دوبارہ جو ہے وہ کھدیڑ دیے گئے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق میں ذلتوں کو مقدر کیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ قیامت تک مسلمانوں کے دشمن رہیں گے. روزے اول سے لے کر کہا کہ آج تک انہوں نے دشمنی کا اظہار کیا، آئندہ بھی ان کی دشمنیاں ظاہر ہوتی رہے گی. لہذا امت کو چاہیے کہ اپنے دشمن کو پہچانے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانتا ہو وہ صراحتاً امت کا دشمن ہے، لہذا ان کے ساتھ تعلقات کو نہ رکھنا، ان کی چیزوں کو استعمال نہ کرنا، یہ غیرت ایمانی ہے. لہذا فرمایا عسى ربكم ان يرحمكم، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے. وان عدتم عدنا، اگر تم دوبارہ اپنی روش پر واپس آ جاؤ، یعنی اپنے نبی کی بات کو مانو، اپنے دین کو اپناؤ، شریعت کو اپنی زندگیوں میں اتارو، اگر تم ایسا نہیں کرتے ہیں تو وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو ٹھہرنے کی جگہ بنائے ہوئے ہیں. لہذا ہم کافروں کو، نافرمانوں کو، نبی کی بات کو نہ ماننے والوں کو، نبی کی کتاب کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والوں کو، ان سب کے لیے ہم نے جہنم ٹھکانہ بنایا ہے. لہذا اگر تم روگردانی کرو گے، بات نہیں مانو گے، تو جس طرح ہم کافروں کو، مشرکوں کو، اللہ کے نافرمانوں کو جہنم میں داخل کریں گے، اسی طرح تم کو بھی جہنم میں داخل کر کے اپنی جہنم کو جو ہے وہ بھڑکاویں گے. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ سیگا اور الفاظ بھی ایسے استعمال فرمائے اور فرمایا کہ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی حقانیت کو ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ اصل جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی کتاب ہی ہدایت کا ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی ہے، اللہ رب العزت جو باتیں اس میں ارشاد فرماتے ہیں ہم سب کو اپنی زندگیوں کے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر 100% موت تک اللہ تبارک و تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.